रेविट के व्यू कंट्रोल्स जो कि यहाँ पर स्टेटस बार के ऊपर होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर स्केल, ठीक है। जो भी आप स्केल लोगे उतनी बारीकी से यहाँ पर चेंजेस होता रहेगा। 100 लोगे तो 100, लेकिन यहाँ पर व्यू भी उस तरह का होना चाहिए ताकि आपको वो चीज़ें जो भी इसके ऊपर डिफरेंस हो रहा है वो आपको दिखे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक व्यू बनाया है, ये है। जैसे मैं इसके ऊपर 10 का करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके एल्बो में डिफरेंस हो रहा है। ये एक रिड्यूसर है, ये उसका एल्बो है। जैसे जैसे मैं इसको 1000 का करूँगा तो इतना बड़ा एल्बो हो गया, अगर छोटा करूँगा तो 500 का। तो इस तरह ये स्केल अपने आप डिफेंड होता है। ये टेक्स्ट पर भी वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट लेता हूँ मैं कुछ, और मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पर 50 के हिसाब से, अगर 500 के हिसाब से, तो ये भी टैक्स भी अपडेट होगी, ये बाजू के सिंबल्स ये भी अपडेट होंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर ये लेवल्स। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वॉल ड्रॉ की है और यहाँ पर ये पाइप है, तो आप देख सकते हो ध्यान से इसमें कौन से चेंजेस आते हैं। ये कोर्स व्यू बताएगा कि इसका कोर्स व्यू में उसका कैसा डिज़ाइन है। मीडियम करेंगे तो मीडियम में कैसा है उसका स्ट्रक्चर वगैरह वॉल का, ये हमें दिखाएगा। और अगर फाइन करोगे तो पूरे के पूरी डिटेल के साथ दिखाएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो पूरी के पूरी डिटेल के साथ आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाएगा। इस तरह ये अपना डिटेल भी दिखाए। उसके बाद यहाँ पर से हम दूसरे भी व्यू कंट्रोल्स है, जैसे कि वायर फ्रेम है, हिडन लाइन है ताकि आप इस लाइन को हिडन कर सके, और उसका भी सेटिंग हम मैकेनिकल, अगर ये पाइपिंग के रिलेटेड है तो आपको आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैकेनिकल के सेटिंग्स में हिडन लाइन को इनसाइड गैप आउटसाइड गैप कैसे सेट करा जा सकता है वो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। फिर शेडेड व्यू, शेडेड व्यू करोगे तो इस तरह पूरी शेडेड दिखेगी। कंसिस्टेंस कलर व्यू, ठीक है। फिलहाल मैं वायर फ्रेम करता हूँ। और यहाँ पर ऊपर भी एक ऑप्शन है जैसे कि ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ पर आप जाकर बैकग्राउंड भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्काई रखना है या फिर रखना है ग्रेडियंट, तो इस तरह आपका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। अगर आपको इमेज रखनी है तो इमेज रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लोड करके रखी थी इमेज, आप इधर इस तरह लोड कर बैकग्राउंड में ही रहेगी, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पर कोई भी आपकी बैकग्राउंड में इमेज या कलर रख सकते हो। फिलहाल मैं ये ग्रेडियंट रखता हूँ, ये भी अच्छा ही दिख रहा है, ग्रेडियंट में काम करना अच्छा रहता है। उसके बाद यही तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देने मिलेंगे, जैसे कि व्यू स्केल से, डिटेल्स लेवल से, ठीक है। एंड ये यहाँ पर ही दिखाई देगा, ये जो है इसे बोलते हैं विजुअल स्टाइल, ठीक है। बाकी के दोनों आपको ऊपर दिखाई देंगे। बाद में यहाँ पर आता है शो सन पाथ, ठीक है। अगर हम सन पाथ पे ऑन करेंगे तो हमें यहाँ पर, मैं करंट सेटिंग ही कराऊँ तो पूरा सन का पाथ दिखाई देगा कि किस तरह डायरेक्शन से है सब। उसके बाद आता है शेडोज, अगर मैं शेडो पे क्लिक करूँगा तो शेडोज दिखेगा, मैं शेडोज को ऑफ कर दे रहा हूँ। फिर आता है रेंडरिंग का सेटिंग, जब आप रेंडरिंग करने जाओगे रियलिस्टिक व्यू की तरह तब जाकर ये सब रेंडर के सेटिंग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से रेंडर को एक्सेस कर सकते हो। फिर आता है क्रॉप व्यू, मैं फिलहाल सनपाथ भी ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्रॉप व्यू है, जैसे कि मैंने क्रॉप व्यू पे क्लिक किया तो इतना ही दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, मैं इसको विजिबल करता हूँ, ओके, इसकी वजह से दिख रहा है। ये इतने ही व्यू में मुझे सब कुछ दिखना चाहिए, इसलिए ये क्रॉप व्यू में इतना दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मूव करूँगा तो इस तरह ये क्रॉप व्यू के बाहर की कोई भी आइटम हमें नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह हम क्रॉप व्यू को मैनेज करते हैं, जैसे कि मैंने क्रॉप व्यू ही हटा दिया, ठीक है, क्रॉप व्यू विजिबिलिटी हटा दी तो पूरा मुझे दिख रहा है, और मैंने क्रॉप व्यू भी नहीं देखना तो इस तरह हो गया। लेकिन मैंने क्रॉप व्यू विजिबिलिटी कर दी तो इतना दिख रहा है, और क्रॉप व्यू कितना है तो ये, मैं इस क्रॉप व्यू को इस तरह से कहीं पर भी मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब फिलहाल मैं इन दोनों को क्लोज करता हूँ। उसके बाद आता है अनलॉक 3D व्यू,
ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव ओरिएंटेशन और लॉक व्यू करूँगा, ठीक है, तो मैं इसको जैसे मूव कर रहा हूँ उस तरह मैं मूव नहीं कर पाऊँगा, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। और लॉक हो जाने के बाद मैं बाकी के एनोटेशन वगैरह वगैरह कर सकता हूँ। अभी ये मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे 3D में कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, प्रेजेंटेशन करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और वो व्यूज़ यहाँ पर सेव हो जाएंगे, जैसे भी मैं उसका जो भी नाम दूंगा वो व्यू यहाँ पर सेव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आगे वाला व्यू, पीछे से व्यू, 3D में होम व्यू, ठीक है। उसके बाद आता है रिवील हिडन आइटम, और यहाँ पर है टेम्पररी हाइड आइसोलेट। मुझे किसी भी चीज़ को अगर काम करते समय या स्क्रीनशॉट लेते वक्त किसी आइटम को अगर मुझे टेम्पररी हाइड आइसोलेट करना है, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें दूंगा। आइसोलेट कैटेगरी मीन्स उस कैटेगरी को आइसोलेट कर देगा ये पूरा। जैसे कि ये स्लैब है, तो पूरे जितने स्लैब होंगे वो आइसोलेट हो जाएंगे, जो भी सेम टाइप के होंगे, दूसरों की टाइप सेम होगी, वही सेम होगा। फिर मैं इसको रीसेट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर हाइड और उसके रिगार्डिंग सारे शॉर्टकट्स है। अगर मैं ये वाला लेता हूँ और अगर इसको मैं आइसोलेट कैटेगरी करता हूँ, तो ये वाली कैटेगरी, तीनों कैटेगरी सेम है, ठीक है। उसकी थिकनेस, उसकी टाइप सेम है। अगर इनको और इनको सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर जो मेरी टाइप आएगी वो तीनों की सेम रहेगी, ठीक है, 6 इंच वाले। इसलिए बाद में मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ। फिर आता है आइसोलेट कैटेगरी, आइसोलेट एलिमेंट होगी। अगर कैटेगरी को तक करूँगा तो कैटेगरी होगी, अगर एलिमेंट करूँगा तो पर्टिकुलर जो एलिमेंट सिलेक्ट किया वो होगा। देन आइसोलेट एलिमेंट्स एंड हाइड एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट मैं सिलेक्ट करता हूँ उसको आइसोलेट करेगा, और जो मैं एलिमेंट को हाइड करना चाहूँगा वो हाइड करके देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस आइटम को मुझे आइसोलेट करना है, तो ये मुझे आइसोलेट करके देगा कंट्रोल जेड, और इसी आइटम को मुझे हाइड करना है तो हाइड करके देगा, ठीक है। और बाद में यहाँ पर मैं रीसेट भी कर सकता हूँ, रीसेट, ठीक है। और इसके बीच मान लो कि अगर यहाँ पर जाकर मैंने कुछ परमानेंट हाइड कर दी, जैसे कि ई एच प्रेस करके ये मैंने चीज़ परमानेंट हाइड कर दी और मुझे लानी है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा तो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो परमानेंट जो हाइड होती है वो चीज़ें, जैसे कि ये लेवल वगैरह 3D में परमानेंट, इधर बे डिफॉल्ट हाइड होती है, ये प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, प्रोजेक्ट नोड पॉइंट, ये हाइड होता है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लोज रिवील हिडन एलिमेंट से मिलेगी, और मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अनहाइड एलिमेंट, और मैं इसको बल्ब को ऑफ कर दूंगा, मेरा जो भी एलिमेंट हो वो वापस उसकी विजिबिलिटी जैसी थी वैसी हो जाएगी। बाद में यहाँ पर टेम्पररी व्यू प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक सैम्पल के लिए पीएल में गया, और यहाँ पर जाकर मैंने उसकी जो वॉल की प्रॉपर्टीज थी, ये सब व्यू प्रॉपर्टीज होती है, ये वॉल की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर मैजेंटा कर दी, और उसको एक टेम्पलेट यहाँ पर से सेव कर दिया। राइट क्लिक एंड क्रिएट अ व्यू टेम्पलेट, राइट। तो इस तरह मैंने सेव कर दिया, और वही टेम्पलेट अगर यहाँ पर पैरापेट में मैंने वही चीज़ की है, ठीक है, यहाँ पर मैंने वो टेम्पलेट सेव कर दिया। तो यही चीज़ अगर मुझे यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर टेम्पररी है, टेम्पररी अप्लाई व्यू टेम्पलेट, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और उसको देखूँगा, और यहाँ से जो मैंने टेम्पलेट बनाया उसको मैं ऑन कर दूँगा, ताकि वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल मॉडल, जब हम एनर्जी एनालिसिस और वगैरह करते हैं, तब जाकर ये एनालिटिकल मॉडल काम आता है। मैं इसको अभी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक नॉर्मल व्यू। तो एनालिटिकल मॉडल, एनर्जी मॉडल जब हम बनाएंगे, तब जाकर ये चीज़ काम आती है, ठीक है। तो एनालिटिकल मॉडल देखना है, नहीं देखना है उसके लिए। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट सेट्स, ठीक है। किसी भी आइटम को अगर सिलेक्ट किया है, अगर किसी ने यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट की तरह काम किया है, जैसे कि उसको अलग अलग करके दिखाना है पूरा घर का, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट सेट के अंदर किया गया है, ठीक है, उसको हाईलाइट करके देगा। बाद में हम सिलेक्ट करके उसको रीसेट तो कर ही सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर रिवील कंस्ट्रेंट, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी के साथ कंस्ट्रेंट कर दिया, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सी एस, और यहाँ पर एक वॉल ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं अलाइन करता हूँ, इसका फेस और इसका फेस कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही ये हो जाए मैं इसको लॉक कर दूंगा।
तो अब मुझे तो पता नहीं है इसमें कितने कितने सारे इस तरह के कंस्ट्रेंट लगा दिए, तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा मैं उन सारे कंस्ट्रेंट को देख सकता हूँ। ये जो डॉटेड करके मुझे दिखाई दे रहा है ये सारे कंस्ट्रेंट मैं देख सकता हूँ, ये मेरा सिलेक्ट भी हो रहे हैं कंस्ट्रेंट मेरे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट मैं देखने के लिए, तो इस तरह हम व्यू को कंट्रोल कर सकते हैं इन टूल्स की हेल्प से, तो इसलिए इसको व्यू कंट्रोल टूल बार कहते हैं।